दोस्तों होगाटोगा प्ले में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अपने पबजी मोबाइल को 120 FPS में कैसे खेल पाएंगे, यानी कि हाई ग्राफिक में आप कैसे खेल पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी तक आपने मोबाइल के अंदर यूज किया होगा, यानी कि 90 FPS में यूज किया होगा, खेला होगा, या 60 FPS में आपने खेला होगा, लेकिन उसके अंदर जो आपको क्वालिटी काफी घटिया मिलता होगा। लेकिन जितने भी जो प्रो प्लेयर होते हैं, जो गेम स्ट्रीम करते हैं, जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, उसके अंदर जो है ना, जो स्ट्रीम का फीचर होता है ना, आपके पबजी मोबाइल के अंदर लॉक होता है। लेकिन जितनी भी बड़े-बड़े जो गेम प्ले करते हैं ना, पबजी गेम खेलते हैं ना, उसको जो स्ट्रीम जो फीचर है ना, इस एफपीएस में खेलते हैं और जो काफी क्वालिटी में रहता है, एनिमी जो है ना दूर से ही दिखने को मिल जाता है। यदि दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि ये सारा जो सेटअप है कैसे कर पाएंगे, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, एक ऐसी कमाल की ट्रिक बताने वाला ऐप बताऊंगा, जिससे कि ना तो आपकी आईडी बंद होगा, ना तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा, ना बिल्कुल स्मूथ से आप खेल पाएंगे अपने पबजी मोबाइल को 120 FPS में आप बड़ी आसानी से खेल पाएंगे। सिंपल आपको ये जो वीडियो को पूरा देखना होगा। मानता हूं कि वीडियो जो है ना 10 मिनट का वीडियो बन सकता है, क्योंकि मैं आपको सारा सेटिंग में बताऊंगा कि क्या-क्या सेटिंग आपको करना होगा। जी हां, तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा, तो वीडियो को देखते रहें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने PUBG मोबाइल फ्रेंड के पास। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा डिस्क्रिप्शन से। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है, एक पेड वर्जन भी आता है, एक फ्री भी आता है। दोस्तों मैंने 3 महीने से पेड वर्जन यूज करा, ना तो मेरा आईडी बंद हुआ, ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं फुल एचडी में और ज्यादा ज्यादा मैं एनिमी को किल करता हूं, 120 एफपीएस में मैं खेलता हूं PUBG मोबाइल को। यदि आप इसे पेड वर्जन लेना चाहते हैं तो ₹40 का मिल जाएगा, यदि आप फ्री में लेना चाहते हैं तो उसके अंदर जो है नॉर्मल फीचर आपको दिखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से रिकमेंड करूंगा मैं पेड वर्जन का, तो पेड वर्जन डिस्क्रिप्शन से इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो जैसे डिस्क्रिप्शन से आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग आपको दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बारी 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 से आपको जो मैन्युअली आपको सेटिंग करके बताऊंगा, और यही सेटिंग आपको अपने मोबाइल के अंदर करना होगा। यदि आपका मोबाइल 3GB है, 4GB या 6GB है, तो आपको सारा सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या सेटिंग करना है। तो यहाँ पे जो देख रहे ना, आपको गेम वर्जन को क्लिक करेंगे ना, तो आप लोग तो ग्लोबली वर्जन यूज करते होंगे, तो आपको ग्लोबली में ही रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा होगा बेसिस ग्राफिक्स, यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों रेगुलेशन में जाना होगा। जैसे जाने के बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल है कौन सी कंपैटिबल है, मतलब कि रेगुलेशन जो है आपका मोबाइल है कौन सा कंपैटिबल है। मेरा मोबाइल है ना 20+1080 मेरा जो सपोर्ट करता है रेगुलेशन। यदि आपका मोबाइल क्या सपोर्ट करता है वो अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। और जैसे सिलेक्ट करने के बाद यहां पे ग्राफिक्स में आना होगा। जैसे ग्राफिक्स में आने के बाद दोस्तों मैं यहां पे सिलेक्ट किया हूं HDR में सिलेक्ट किया हूं। यदि आप HDR में सिलेक्ट करेंगे ना, तो अपना मोबाइल जो 3GB है, आपका मोबाइल 3GB या 4GB है, तो यदि आप HDR में खेलते हैं तो आपका मोबाइल हीट होगा ज्यादा ना, तो आप HD में रख करके खेल सकते हैं, उसमें भी काफी ज्यादा ग्राफिक अच्छा मिलेगा। तो मैं यहां पे HDR में यूज कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जो मैं फोन यूज कर रेड मैजिक 3 यूज कर रहा हूं, जो काफी स्मार्टफोन गेमिंग स्मार्टफोन है। यदि इसका अनबॉक्सिंग नहीं देखे तो वो भी जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते तीसरा सेटिंग के बारे में, FPS, यानी कि आप जो है ना यहां पे कितना फ्रेम में खेलना चाहते हैं। आपने तो जो अपने मोबाइल के अंदर जो PUBG खेला होगा 60 FPS में आपने खेला होगा, लेकिन मैंने यहां पे जो खेला हूं आज तक, जो मैं अपने मोबाइल के अंदर खेला हूं 90 FPS में खेला हूं, लेकिन आज मैं ट्राई करने वाला 120 FPS में मैं ट्राई करने वाला कि इसके अंदर जो कितना स्मूथ मिलता है, कितना HD क्वालिटी मिलता है। तो मैंने यहां पे 120 FPS में मैंने डाल दिया, और जैसे डालने के बाद दोस्तों आपको स्टाइल कलर में जाना होगा। दोस्तों स्टाइल कलर में आप कौन सा स्टाइल कलर आप रखना चाहते हैं, तो मैं यहां तक कलरफुल रखूंगा, तो यहां पे कलरफुल डाल देता हूं, ठीक है। और डालने के बाद यहां पे शैडो यहां पे देख रहे ना, इसे अनेबल कर लेना होगा। अनेबल करने के बाद दोस्तों ये जो देख रहे ना एडवांस, इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे कुछ भी जो आपको सेटिंग है ना, यहां पे सारा सेटिंग आपको कर देना होगा, ठीक है। और इसको बस यहां पे कर देना होगा, बस यहां पे आपको नीचे जाना होगा, और जैसे नीचे जाने के बाद जैसे यहां पे जो अनेबल है इसको अनेबल कर लीजिए। ये जो 4 लेवल का जो है ना, ये भी अनेबल कर लीजिए, मतलब जो डिफॉल्ट सेटिंग है ना उसको कुछ भी नहीं करना, आपको रहने देना, ठीक है। सिंपल आपको बैक कर लेना होगा। जैसे बैक करने के बाद दोस्तों आपको ये जो देख रहे ना ग्राफिक्स, इसको चले जाना होगा। जैसे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पे कलर, और यहां पे आपको जो ना डिफॉल्ट ही रखना, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, डिफॉल्ट ही ठीक रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहां पे ग्राफिक्स जो मैन्युअली, इसको क्लिक कर लीजिए, और यहां पे आपको हाई में रखना चाहते हैं ना,
यदि आप हाई में रखेंगे तो आपका मोबाइल जो है ना कंफर्टेबल होना चाहिए, 3GB 4GB है, तो पहले मीडियम में आप खेल करके देखिए। यदि आपका मोबाइल हीट नहीं होता है तो बहुत बढ़िया, आप हाई में आप रख करके दोबारा खेल सकते हैं। यदि हाई में रखेंगे तो आपका मोबाइल गर्म होता है ना, तो नॉर्मल ही ट्राई ठीक है। ठीक है, तो मैं अभी मोबाइल को नॉर्मल में ही रखूंगा ग्राफिक को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे डिटेल मोड को आप अनेबल कर लेना, इससे क्या होगा कि दूर से ही एनिमी को आप बड़ी आसानी से फाइंड कर पाएंगे और उसे आप किल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एडवांस जो है इसको आप डिफॉल्ट ही रखना, मतलब कि 1x इसको डिफॉल्ट ही रखना है, और ये जो दिख रहे लाइट साइड हो इसको भी अनेबल रखना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी अनेबल आपको रखना। बस आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल बैक कर देना होगा। अब आते हैं यहाँ पे चौथा नंबर सेटिंग की, तो चौथा नंबर सेटिंग पे जाना होगा, और जैसे जाने के बाद दोस्तों ये जो मेमोरी बूस्ट है इसको बंद ही रखना है, और ये जो जीरो लेवल है इसको भी बंद ही रखना है, और ये जो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो है ना आपको ये जो अनेबल है ना इसको ही अनेबल कर देना होगा। ठीक है, सिंपल आपको बैक करना होगा। सिंपल बैक करने के बाद दोस्तों ये ना पांचवा सेटिंग यानी ग्राफिक्स में इसको अंदर आ जाना होगा। जैसे आने के बाद दोस्तों ये जो देख रहे ना आपको ये अनेबल कर देना होगा। ठीक है, इस पे लिखा होगा सिंपल शेडर, इसको अनेबल कर देना होगा। जैसे अनेबल करने का सिंपल बैक करना होगा, बैक करने के बाद आपका सारा सेटिंग हो चुका, और जैसे सारा सेटिंग होने के बाद दोस्तों इसके अंदर एक और सेटिंग मिल जाता है, बेस्ट सेटिंग फॉर योर डिवाइस, यानी कि दोस्तों आप कौन सा डिवाइस स्मार्टफोन यूज करते हैं, सारा आपको जो ना प्रोफाइल एक कंपनी वाला बना के देता है इसके अंदर, तो यहां से भी आप यूज कर सकते हो। मैंने तो मैन्युअली बताया, लेकिन जो कंपनी वाले जो ना मोबाइल की कंपैटिबल के लेकर जो है ना यहां पे सारा सेटिंग आपको दिखने को मिल जाएगा। जो भी आप स्मार्टफोन मॉडल नंबर यूज करते हैं वो यहां पे आपको दिखने को मिल जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया था वो मैन्युअली बताया था, ये मैन्युअली आपको करना होगा। जैसे करने के बाद आपको एप्लीकेशन पे ही आपको पबजी को प्ले करना होगा। आपको डोंट वरी, आपको आईडी बंद नहीं होगा। मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूं, और भी यूट्यूबर जो है ना मतलब कि 8 महीना 9 महीने से ये एप्लीकेशन को यूज कर रहा, लेकिन उनका आईडी भी नहीं बंद हुआ, ना मेरा भी आईडी अभी तक बंद नहीं हुआ। सिंपल आपको अप्लाई पे क्लिक करना और यहां पे रन पे क्लिक कर देना है, और जैसे रन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे दो HD क्वालिटी देखेंगे ना आप काफी ज्यादा चौंकने वाले हैं, क्योंकि चलिए सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाता हूँ मैं ग्राफिक्स में, और देख सकते एक्सट्रीम यहाँ पे अनेबल हो चुका, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रीम यहाँ पे अनेबल हो चुका। दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्ले कर लिया, और जैसे प्ले करने के बाद दोस्तों इसका जो घास है ना, पहले जो आपको व्हाइट दिखने को मिलता होगा, लेकिन ये जो आप कंफर्टेबल कर लेते हैं ना इस टाइप का, आप सेटिंग कर लेंगे तो पूरा जो घास आपको देख रहे ना यहाँ पे बिल्कुल हरा दिखेगा, बिल्कुल क्लियर दिखेगा, HD क्वालिटी में दिखेगा, जो एनिमी दूर से ही आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ढूंढ सकते हैं। बहुत ही कमाल की सेटिंग है, आप इस सेटिंग का जरूर यूज कीजिएगा। दोस्तों यही था आपको पूरा सेटिंग, मैंने आपको बता दिया होगा। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो पेड वाला एप्लीकेशन और फ्री वाला एप्लीकेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल कर लीजिएगा, सब्सक्राइब बेल बटन दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड।